संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने मात्र से ही प्रभु सारी परेशानियां हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है जो अजर अमर है। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसीलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पावन पुत्र भगवान हनुमान के कुछ खास दिलचस्प रहस्य, जिन्हें जानकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। ये सभी तो हर कोई जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शंकर का रुद्र अवतार है, वो भी 11वां रुद्र अवतार। और वही आपको ये बात नहीं पता होगी कि वह अपनी माता के श्राप को हरने के लिए ही पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला था जिसमें वर्णन था कि माता अंजनी किसी भी पुत्र को या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शिव शंकर को घोर तपस्या के कारण प्रसन्न किया, जिसकी वजह से 11वें रुद्र अवतार के रूप में भगवान शंकर ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया। दोस्तों, राम भगवान की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। ये बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दिया। तभी से बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए किया था। अब जानते हैं कि आखिर हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। दोस्तों, अपनी थोड़ी के आकार की वजह से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई थोड़ी, और बचपन में ही हनुमान के नाम से वह विख्यात हुए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी पिता भी हैं? जी हाँ, राम भक्त हनुमान को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक बेटा भी था। और वह कब हुआ? जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे तब उनसे उसी समय राक्षस के साथ युद्ध हुआ। उस दौरान जब वह लड़ते लड़ते थोड़ा थके तो उनके शरीर से पसीना निकला। उस पसीने की बूंद एक मगरमच्छ ने निगल ली, जिसके बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मकरध्वज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक क्षण ऐसा भी आया था जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा दी थी, लेकिन आखिर वो बचे कैसे? एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए। उन्होंने प्रभु राम को हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। भगवान राम ने ऐसा ही किया, उन्होंने अपने गुरु के वचन का पालन किया और हनुमान को मारने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि वह गुरु को मना नहीं कर सकते थे, लेकिन सजा के दौरान हनुमान जी बार बार भगवान राम का नाम जपते रहे, और इसकी वजह से श्री राम के जितने भी वार थे, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, वह कुछ भी हनुमान जी का नहीं बिगाड़ पाए, और सारे के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। दोस्तों, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहां के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से सबसे पहले रामायण लिखी थी। लेकिन जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को ये पता चला कि वह हिमालय गए हैं, यानी हनुमान जी हिमालय जाकर रामायण लिख रहे हैं, तो वह बहुत ही निराश हुए। और ऐसे में हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को परेशान देखकर अपनी रामायण समुद्र में फेंक दी। दोस्तों, आपको महाभारत का वो किस्सा तो याद होगा जब भीम ने एक वानर के साथ युद्ध किया और बाद में पता चला कि वह वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी है। लेकिन आपको एक बात बता दें, पवन पुत्र हनुमान के भाई कोई और नहीं बल्कि भीम ही थे। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी भी पवन के पुत्र थे और भीम भी पवन के पुत्र थे। ऐसे में है दोनों भाई भाई थे। दोस्तों, आप एक क्षण तो जानते ही होंगे जब प्रभु श्री राम जी को अपना देह त्यागना था, और वह जानते थे कि अगर हनुमान जी को इस बारे में पता चला तो वह तबाही मचा देंगे। प्रभु राम जी जानते थे कि उनकी मृत्यु को हनुमान जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और इस कारणवश कहीं वह धरती पर उथल पुथल ना मचा दे, इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सहारा लिया था और हनुमान जी को शांत रखने के लिए उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपना देह त्याग दिया। वे ये भी जानते थे कि अगर ये बात उनके सबसे बड़े भक्त यानी हनुमान जी को पता चली तो उस समय धरती पर संकट आना तय था। दोस्तों, एक पल ऐसा भी आया जब माता सीता ने प्रेम वर्ष एक बार हनुमान जी को एक बहुत ही कीमती सोने का हार भेंट में देने की सोची, लेकिन हनुमान जी ने इसे लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे इस हार को नहीं ले सकते, इसके पीछे की वजह क्या है? तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर उन्हें उसमें बसी उनके प्रभु राम की छवि दिखाई और कहा
कि उनके लिए इससे ज्यादा कुछ भी अनमोल नहीं है। और उसी समय के बाद से प्रभु श्री राम के मन में हनुमान जी के लिए और प्रेम बढ़ गया। दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही होंगे, ये हर बार ये कहा जाता है सनातन धर्म में कि इस मंत्र का 108 बार जाप करें, या प्रभु श्री राम का नाम 108 बार लें, हनुमान जी का नाम 108 बार लें। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम है, और हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। जी हाँ, हर नाम उनके जीवन की जुड़ी हुई घटना से लिंक है, यानी कि प्रेरित है। इसी वजह से उनके 108 नाम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास दिलचस्प बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। अगर आपको हमारी ये खास वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री राम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।